दोस्तों, अगर आप रेडमी 4 के यूज़र से, तो दोस्तों आपके लिए एंड बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही होंगी MIUI 10 के स्टेबल अपडेट के अंदर। बैटरी ड्रेन हो रही है, हैंगिंग प्रॉब्लम हो रही है, हीटिंग इशूज है दोस्तों बहुत। और बैटरी दोस्तों MIUI 8.5 था जब रेडमी 4 के अंदर, तो बहुत ज़बरदस्त जो है चलता था फ़ोन, बहुत ज़बरदस्त आपका जो है बैटरी बैकअप था दोस्तों। अगर आपने भी यूज़ किया MIUI 8.5 रेडमी 4 के अंदर, जैसे ही आप पहले दोस्तों 8.5 ही मिलता था जब रेडमी 4 रिलीज़ हुआ था दोस्तों, गजब की बैटरी बैकअप था रेडमी 4 का। अब दोस्तों बिल्कुल ही बकवास बैटरी बैकअप मिलता है जैसे ही अपडेट आता है दोस्तों। कोई भी ऑप्टिमाइजेशन बग फिक्स लिखा हुआ होता है, पर दोस्तों बैटरी के अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं की जाती है, ठीक है। MIUI 8 के अंदर दोस्तों गजब बैटरी बैकअप था, MIUI 9 के अंदर भी ठीक ठाक था, पर MIUI 10 के अंदर दोस्तों बिल्कुल ही बकवास हो चुका है बैटरी बैकअप। क्योंकि तो रेडमी 4 की बैटरी तो 41 mAh की है, 4100, ठीक है, 4141 mAh की जो है बैटरी है, तो अभी भी दोस्तों बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है। इसलिए मैं दोस्तों बीटा रोम पर आ गया। देख सकते हैं मेरा डिवाइस रेडमी 4 है और मैं था MIUI 10.1.1.0 और अब मैं ग्लोबल बीटा पर आ चुका हूँ। पर दोस्तों इसके अंदर भी बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है बीटा पर। दोस्तों अगर आप आना चाह रहे हैं तो मेरा कहना ये है, आप बीटा पर नहीं आइए दोस्तों, बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है बीटा के अंदर, और स्टेबल के अंदर भी बैटरी ड्रेन काफ़ी ज़्यादा हो रही है और हैंगिंग प्रॉब्लम भी हो रही है दोस्तों। अब नेक्स्ट अपडेट का इंतज़ार कीजिएगा कि नेक्स्ट अपडेट के अंदर जो है कब तक जो है, अब नेक्स्ट अपडेट आता है कब बैटरी का जो ड्रेनिंग फिक्स होता है, ठीक है। जैसी कोई नेक्स्ट अपडेट के लिए न्यूज़ आती है तो मैं तुरंत आपको बता दूंगा रेडमी 4 के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।